हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीडअप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम। और इससे पहले जो हमने क्लास देखी थी उसमें देखे थे हमने एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट्स हम देख चुके हैं और आज हम देखेंगे पोर्ट्स और वाटरवेज के बारे में। ठीक है, इसकी इन दोनों का जो एमसीक्यू है, क्योंकि जो डिसाइड हुआ था वो ये हुआ था कि पहले टॉपिक होगा उसके बाद एमसीक्यूज कराए जाएंगे, तो इन दोनों टॉपिक्स का एमसीक्यू जो एक साथ आएगा और वो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पोर्ट्स और वाटरवेज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के अगर डाउट्स की बात की जाए तो कल की क्लास में कोई खास ऐसा कोई डाउट अभी तक मैंने पूरी मतलब कमेंट्स बॉक्स में मैंने कोई डाउट हमको आज नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा कोई डाउट नहीं था। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पोर्ट्स के बारे में और देखेंगे पोर्ट्स जो हमारे क्या कहते हैं, कितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो हमको आज इस वीडियो में पढ़ने हैं। पोर्ट्स हमारे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन का जो कार्गो ट्रांसमिशन होता है, बड़ा कार्गो जितनी क्या कहते हैं बड़ी कार्गो के ट्रांसमिशन होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं। जैसे कि ये क्या कहते हैं जो इमेज लगी हुई है इस पर आप देखिए कि ये जो भी पोर्ट है वहाँ पे देखिए कितना सामान है जो ये लाद के ला रहे हैं और इसमें जो ट्रक्स हैं छोटे छोटे ट्रक्स कितने एक एक शिप से क्या कहते हैं 20-20, 30-30, 40-40 ट्रक भर दिए जाते हैं। ठीक है, इतना इतने बड़े बड़े शिप होते हैं जो इनका पूरा सामान को सामान का क्या कहते हैं आवागमन करते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले हम डिफरेंस देखेंगे पोर्ट्स और क्या कहते हैं आपका हार्बर के बीच। एक होते हैं पोर्ट्स और एक होते हैं हार्बर। अगर इन पोर्ट्स की बात करें हिंदी की, मैं थोड़ा भूल गया, हम बात लिखना भूल गया था, तो पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह, इनको बोला जाता है बंदरगाह। ठीक है, और हार्बर को भी एक मतलब कोई अलग से हिंदी नहीं दी गई है, लेकिन पोर्ट्स और हार्बर में एक अंतर है। पोर्ट्स और हार्बर में एक अंतर है कि पोर्ट्स जो होते हैं, पोर्ट्स आर बेसिकली अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड फॉर द कॉमर्शियल एंड अदर पर्पजेज। मतलब ऐसी पोर्ट्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिप्स आते हैं और उनको लोड किया क्या कहते हैं उनको लोड किया जाता है, कहीं और भेजा जाता है, कहीं और से शिप आते हैं उनको अनलोड किया जाता है, सामान वहाँ से उतारा जाता है, ट्रकों में लोड किया जाता है, फिर अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ जिसकी डिलीवरी होनी होती है वहाँ उसको पहुँचाया जाता है। मतलब ये पूरा जो काम है ये काम होता है आपका पोर्ट्स पे। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर क्या कहते हैं हम रिसीव करते हैं चीज़ों को, रिसीव करते हैं शिप्स को, वेयर विच रिसीव्स वेरियस शिप्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड प्लेसेस एंड ऑल्सो शिप्स फ्रॉम अदर आवर कंट्री आर सेंट टू अदर प्लेसेस एज वेल। मतलब हमारी देश से जो क्या कहते हैं शिप्स भेजे भी जाते हैं और जो दूसरे देशों से आ रहे होते हैं, दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट से जो शिप आ रहे होते हैं उनको उतारा भी जाता है, उनको यहाँ पे मतलब लाया जाता है, उतारा जाता है सामान, वो दोनों काम है यहीं पे होते हैं। हार्बर क्या होता है? हार्बर बेसिकली एक प्लेस है। हार्बर आर बेसिकली अ प्लेस वेयर वी पुट शिप्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। मतलब जैसे कोई शिप है, जैसे आप अपनी गाड़ी है, आप ऑफिस से घर आए और आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, तो जो क्या कहते हैं रेस्ट प्लेस होती है, जो एक रेस्ट प्लेस होती है, जैसे आपकी गैरेज होगी वहाँ पर जैसे आप अपने टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स को क्या कहते हैं रेस्ट कराते हैं, वैसे ही एक जगह होती है जहाँ पर जो समुद्र में होने वाली जो उनके स्टॉर्म्स हैं और इन सब चीज़ों से स्टॉर्म और इन सब चीज़ों से बचा के जो वहाँ पर रखा जा सके आसानी से। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल सुविधापूर्ण तरीके से शिप्स को रखा जा सके वो होती है हार्बर। ठीक, इंडिया में बेसिकली 12 मेजर क्या कहते हैं पोर्ट्स हैं, 12-13 मेजर पोर्ट्स हैं, जिनमें से एक है जो प्राइवेट क्या कहते हैं प्राइवेट पोर्ट है। इसके अलावा अगर इन क्या कहते हैं गवर्नमेंट पोर्ट्स की बात की जाए तो 12 गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं हमारे 9 स्टेट्स के अंदर। इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स इन अवर 9 स्टेट्स हैविंग देयर सी बाउंड्रीज। मतलब ऐसे 9 स्टेट्स जिनके पास बाउंड्रीज हैं, सी बाउंड्रीज हैं, उनके पास वो टोटल जो है आपके 13 मेजर पोर्ट्स हैं। और ऐसा कोई क्या कहते हैं अगर मतलब आप बात करें कि मेजर और माइनर किसको कहते हैं, तो ऐसा कोई भी ऐसा एक तरीके से क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है जिससे आप मेजर और माइनर को डिफाइन कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी हैं जो आते हैं माइनर पोर्ट्स में, ठीक है, आते हैं माइनर पोर्ट्स में हैं, लेकिन उनका जो अगर देखा जाए उनका कार्गो लोड देखा जाए और जो उन पर शिप्स आ रहे हैं उनका लोड देखा जाए तो मेजर वालों से ज़्यादा है। जैसे कि गुजरात में भी पोर्ट है, क्या कहते हैं उसका नाम है उसका मुंद्रा पोर्ट। तो जो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है वो बहुत सारे मेजर पोर्ट्स क्या कहते हैं मुंद्रा जो पोर्ट है वो बहुत सारे मेजर पोर्ट्स जो हैं उनसे ज़्यादा उनके उसके यहाँ सामान और सामानों का क्या कहते हैं आना जाना होता रहता है, लेकिन फिर भी वो माइनर पोर्ट्स में हैं। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं या कह लीजिए जो गवर्नमेंट के पोर्ट्स हैं वो 12 यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला जो पोर्ट है आपका कांडला, ये गुजरात का पोर्ट है, और जो मैं अभी आपने आपको बताया मुंद्रा, ये भी गुजरात का ही पोर्ट है। फिर नेक्स्ट आपका मुंबई पोर्ट, मुंबई के ही नीचे नावा सियावा, ये मुंबई के एक तरीके से क्या कहते हैं जो लोड था उसको कम करने के लिए बनाया गया था और फिर बहुत जल्दी ये विकसित भी हो गया
और काफ़ी फास्टेस्ट विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। फिर आपका अगर मैप के हिसाब से ही चल रहा हूँ पूरा, मैं गुजरात से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ता जाऊँगा, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे से पूरा ईस्टल को, क्या कहते हैं अपने ईस्ट वाली बाउंड्री पे आ जाएंगे। तो अभी मैं वो मैप में आपको दिखा दूंगा। फिर आता है आपका मारमुगाव। मारमुगाव जो पोर्ट है ये कहाँ पड़ता है, ये आपका है गोवा का। और उसके बाद आता है पनामपुर, पनाम्बर पोर्ट जो है आपका, पनाम्बर पोर्ट इसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट भी इसका एक नाम है इसको। ये जगह है पनाम्बर, ये पनाम्बर एक जगह का नाम है जहाँ पर ये पोर्ट है एग्जैक्टली, और ये वो सिटी है मैंगलोर। मैंने आपको मैंगलोर का एयरपोर्ट भी बताया था, और बताया था वहाँ पर जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था उसके बारे में। फिर नेक्स्ट जो है वो कोचिन एयरपोर्ट, सॉरी कोचिन पोर्ट, कोचिन में एयरपोर्ट भी है और कोचिन पोर्ट, वो केरला में पड़ेगा आपका। फिर आप आ जाते हैं यहाँ तक, केरला तक पहुँचते पहुँचते हम आप पहुँच गए हैं बिल्कुल नीचे, ठीक है। फिर टूटीकोरिन बिल्कुल आपका सदर्न मोस्ट, जो आपका सदर्न मोस्ट एक तरीके से कह लीजिए कि पोर्ट है जो, वो है टूटीकोरिन, यहाँ पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर। फिर उसके बाद चेन्नई, चेन्नई आपका यहाँ पड़ेगा कहीं, अभी आपको सभी दिखाता हूँ। फिर चेन्नई पोर्ट आएगा आपका, चेन्नई पोर्ट को मद्रास पोर्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका वाइजैक, वाइजैक एक ना वाइजैक जो है वो नाम ही है विशाखापट्टनम का, ठीक है, विशाखापट्टनम का नाम है वाइजैक, विशाखापट्टनम अगर लिखा जाए यहाँ पे तो विशाखापट्टनम का वाइजैक नाम है। आपने जब मैं क्या कहते हैं क्रिकेट मैच अगर देखा होगा तो उस टाइम पे आपको आपने कमेंटेटर्स के मुंह से ऐसे सुना होगा कि वाइजैक टेस्ट में ऐसा हुआ, वाइजैक के मैच में ऐसा हुआ, धोनी का जब अच्छा परफॉर्मेंस आया था वाइजैक वाले मैच में, तो विशाखापट्टनम का एक शॉर्ट फॉर्म है वाइजैक। फिर आता है आपका पैरादीप, पैरादीप जो है आपका पोर्ट है वो है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा का इकलौता द्वीप जो है, कहते हैं उड़ीसा का इकलौता आपका पोर्ट जो है वो है पैरादीप, ठीक है। इससे क्या कहते हैं आपका जापान साइड, जापान साइड का जो क्या कहते हैं आवागमन है वो ज़्यादा होता है जापान से, एक तरीके से शायद आयरन ओर्स यहाँ से ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट ये आपका क्या कहते हैं, हल्दिया पोर्ट गंगा के मुहाने पे है, गंगा या कह लीजिए जो हुगली रिवर है उसके मुहाने के पास है। और एक वेस्ट बंगाल में एक और पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट वो अकेला पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, रिवर पे है, जो रिवर पे है, हुगली रिवर निकलती है वहाँ से, हुगली रिवर, जिसके बारे में मैंने रिवर्स में भी बताया था आपसे कि जब रिवर्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जब गंगा वेस्ट बंगाल तक पहुंचती है तो एक हुगली रिवर निकल जाती है नीचे और फिर आगे गंगा होते हुए वेस्ट क्या कहते हैं बंगाल चली जाए, बांग्लादेश चली जाती है, यहाँ से वो बांग्लादेश चली जाएगी, ठीक। यहाँ से जो ये है रिवर है, ये है हुगली रिवर, ये जो नीचे की तरफ जाती है रिवर, ये है हुगली रिवर। तो इसी हुगली रिवर पे कोलकाता में पोर्ट है जिसको आप जो बोला जाता है कोलकाता पोर्ट, और वो रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, अकेला है जो पोर्ट जो रिवर्स पे है। नेक्स्ट जो है आपका और लास्ट जो इस डिस्कशन में लास्ट है वो है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर का जो पोर्ट है जो इसमें, इसका मैंने क्या कहते हैं एयरपोर्ट बताना भूल गया था मैं इसका, तो एयरपोर्ट इसका वीर सावरकर एयरपोर्ट है जो मैंने बाद में क्वेश्चन में डाला था, काफ़ी अधिकतर लोगों ने सही किया, लगभग 90 से 92% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, तो उतना फेमस है, काफ़ी काफ़ी फेमस है इसलिए काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था। तो पोर्ट ब्लेयर का जो पोर्ट है वो अंडमान में है, ठीक है, अंडमान में है, और ये जो आपका यूनिट क्या कहते हैं यूनियन टेरेटरी पड़ती है वो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब देखते हैं इनकी सिचुएशंस कहाँ पर हैं, इनकी जो पोजिशन है वो देखते हैं। तो ये है आपका इंडिया का मैप जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं दिखाई दे रहे होंगे, पहला क्या है कांडला जो मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है। फिर उसके बाद मुंबई, मुंबई में जस्ट नीचे आपका नावासियावा, नावासियावा का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू भी है, ठीक है, जवाहर नेहरू पोर्ट, ठीक है, ये जवाहर नेहरू भी लिखा है JNPT, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है नावी मुंबई में, ये आपका पड़ता है नावी मुंबई में, ये आगे बातें आ जाएंगी शायद मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रखा हूँ, ये नावी मुंबई में पड़ता है और जो मुंबई वाला है ये आपका वेस्ट मुंबई में है, वेस्ट मुंबई में, ठीक है। इसका ट्रैफिक थोड़ा कम करने के लिए इसको बनाया गया था और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा भी है। फिर आता है मारमुंगाव जो आपका गोवा में है, गोवा आप यहाँ से महाराष्ट्र ख़त्म होता है, यहाँ एक छोटा सा ऐसे पोर्शन दिखेगा, फिर यहाँ से कर्नाटका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है गोवा का छोटा सा, यहाँ पे है मारमुंगाव पोर्ट। फिर है न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट का जो मैंने नाम अभी पहले बताया था पिछली स्लाइड में पनाम्बर, इसको भी लिख लीजिए। तो ये पनाम्बर जगह है जहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट है और ये सिटी मैंगलोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोचिन, कोचिन आपका केरला के अंदर पड़ता है, यहीं से केरला शुरू होता है नीचे की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है। फिर आपको सबसे सदर्न पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा टूटीकोरिन,
टूटीकोरिन तमिलनाडु का है, टूटीकोरिन तमिलनाडु का एक पोर्ट है। फिर यहाँ पे मिलेगा आपको चेन्नई, ये आपका क्या कहते हैं तमिलनाडु का सबसे बिगेस्ट पोर्ट है। और यहाँ पर एक इन्नोर पोर्ट भी है, ये एक तरीके से प्राइवेट पोर्ट है। उसमें शायद 68% जो है वो स्टैक इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का है, बाकी प्राइवेट है, ठीक है। फिर है विशाखापट्टनम, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में वाइजैक बोला जाता है, वाइजैक बोल देते हैं इसको। और वाइजैक इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा में पड़ेगा आपका पैरादीप। और फिर आता है हल्दिया और कलकत्ता। कलकत्ता है पुराने तरीके से लिखा हुआ है, ये कलकत्ता लिखा है जैसे पहले लिखा जाता था। तो ये कलकत्ता जो है ये आपका रिवराइन पोर्ट है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिए सभी पोर्ट्स की लोकेशंस देख ली कि कौन कौन सी लोकेशन है। अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं कभी कभी, इसको डिवाइड कर लीजिए यहाँ से। अगर आप क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे कि चार लिख दिए जाएंगे आपसे, चार ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, उसमें पूछेगा कि कौन सा इंडिया के ईस्ट साइड पर है, ठीक है। तो आपकी आपको इनको लोकेशन जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। या आपसे क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा डीप में पूछता है तब पूछ लेगा आपसे कि कोई किसी पोर्ट की स्पेशलिटी पूछ लेगा कि इस पोर्ट से क्या क्या कहते हैं किसको एक्सपोर्ट किया जाता है या क्या इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट याद करना शायद आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा यहाँ से। और मुझे उम्मीद भी है इतना शायद ना पूछा जाए, तो एटलीस्ट आप क्या कहते हैं इसका ये याद रखें कि हाँ कौन सा पोर्ट है कहाँ पर, कौन से स्टेट में पड़ता है। पोर्ट का नाम और उससे स्टेट का जरूर पता होना चाहिए आपको, कौन सा जो क्या कहते हैं पोर्ट है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में पड़ता है, उसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कुछ जैसे नाम है पैरादीप, इससे आपको क्लियर नहीं होगा कि ये किस स्टेट का है, क्योंकि इतना ज़्यादा सुना नहीं होगा आपने पैरादीप के बारे में। जैसे मुंबई है ये तो आप सभी लोग जान जाएंगे, लेकिन इसके जस्ट नीचे अगर नावा सियावा लिख के आ जाता है, नावा सियावा ऐसे लिखा जाता है, एच लिखता है नावा सेवा, तो अगर ये नाम लिख के आ जाता है तो आप इससे नहीं पहचान पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कांडला मुंदर इस टाइप के जितने भी नाम हैं आपको ये सब पता होना चाहिए, एटलीस्ट कहाँ पर हैं, इतनी उनकी लोकेशन जरूर मालूम होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोर्ट्स के बारे में, जिसमें पहला पोर्ट जो है आपका, पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्नोर पोर्ट ऑफ चेन्नई इज़ द कॉरपोरेट पोर्ट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है साउथ इंडिया का, लेकिन क्या है ये प्राइवेट पोर्ट है। लगभग इसमें बताया था मैंने आपको भी 68% जो है, 68% का स्टेक जो है गवर्नमेंट का है, इंडियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो पूरा प्राइवेट है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो कि पोर्ट जो है आपका नावा सियावा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका दूसरा नाम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। और जो ये है आपका, ये सिचुएटेड है कहाँ पर, नावी मुंबई में, ठीक। फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है। और नावा सियावा इज अ पोर्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल पोर्ट्स की अगर बात की जाए सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। और जो है इस सबसे क्या कहते हैं लार्जेस्ट है कंटेनर्स के, कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, मतलब जो यहाँ पे सामान आने वाला है उन सब में ये क्या कहते हैं उस टाइप से लार्जेस्ट है। अपने एरिया वाइज लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन उस टाइप से लार्जेस्ट है जो इसमें कंटेनर पोर्ट्स में कंटेनर आते हैं, जो यहाँ पे आता है, जो सामान आता है कार्गो इसमें जो इसके यहाँ आ रहा होता है। अब बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में। तो और जो है टूटीकोरिन इज अनदर आर्टिफिशियल पोर्ट, मतलब टूटीकोरिन के बारे में आपको ये बताना जरूरी है कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है एंड डीप हार्बर एज वेल, मतलब ये एक डीप हार्बर भी है, मतलब इसमें एक साइड में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप क्या कहते हैं आसानी से शिप्स को रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका डीप हार्बर भी है और साथ साथ में एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। नेक्स्ट जो आपका चेन्नई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल साइड में, मतलब जो ऐसे अगर देखा जाए तो जो इस साइड का एरिया है ईस्ट साइड का, उस ईस्ट साइड पे सबसे बड़ा पोर्ट जो है आपका वो चेन्नई है। तो ईस्ट साइड में सबसे बड़ा है, मतलब इंडिया के ईस्ट साइड का सबसे बड़ा पोर्ट है आपका क्या कहते हैं चेन्नई पोर्ट, ठीक है। इसमें अगर कार्गो ट्रैफिक की बात की जाए तो ये एक बिग हब है, यहाँ पे बिग हब होना चाहिए था, पिज़्ज़ा हब हो गया है, ये बिग हब है किस चीज़ों का, बिग हब ऑफ कार एंड कार्गो ट्रैफिक, ठीक है। कार और कार्गो ट्रैफिक का सबसे मतलब बड़ा हब है और ईस्ट कोस्टल साइज पे आपका सबसे बड़ा एक तरीके से पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विशाखापट्टनम के बारे में। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कहीं पे, शायद पूजा हो रही है तो आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को थोड़ी बहुत। विशाखापट्टनम की अगर बात की जाए तो उसको वाइजैक बोला जाता है, सबसे पहले बात तो ये आप याद रखिए उसको वाइजैक बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और ये डीपेस्ट पोर्ट है अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश अनदर पोर्ट नेम्ड कृष्णपट्टनम, ठीक है। कृष्णपट्टनम जो है आपका ये आंध्र प्रदेश का एक और पोर्ट है जिसको जो माइनर पोर्ट्स में आता है, ठीक है, ये मेजर पोर्ट्स में नहीं आता है, ठीक। और ये माइनर पोर्ट्स में होने के साथ साथ बेसिकली क्या है, बेसिकली आपका प्राइवेट पोर्ट है कृष्णपट्टनम, एक तरीके से प्राइवेट पोर्ट है।
तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई पोर्ट्स के बारे में। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, बस इसमें इस टॉपिक में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बस ये मैप है। इस मैप को जितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं आपके दिमाग में क्लियर होगा, आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जहाँ तक मुझे क्वेश्चंस की उम्मीद है। अभी तक जहाँ तक क्वेश्चन पूछे आते हैं या तो आपसे किसी की लोकेशन पूछी जाती है या तो आपसे उसका स्टेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर और जो चीज़ें पूछी जाती हैं तो कभी कभार पैरादीप्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कहाँ से क्या कहते हैं जो आपका वो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अगर उसकी लोकेशन पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ वाटरवेज के बारे में। तो अगर बात की जाए नेशनल वाटरवेज की, तो वाटरवेज होते क्या हैं। इंडिया के पास जो क्या कहते हैं रिवर्स का एक अच्छा सिस्टम है, रिवर्स हैं, काफ़ी रिवर हैं, कैनाल्स बना रखी गई हैं, कैनाल हैं, रिवर हैं, और जो आपका वाटर बॉडी है इंडिया में काफ़ी अच्छी है, मतलब एक तरीके से वाटर ट्रांसमिशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया के पास उतने अच्छे मतलब वर्ल्ड लेवल के तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठीक हैं जो वाटरवेज हैं जिनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ठीक है। जैसे नेशनल वाटरवे फर्स्ट को ठीक ठीक तरीके से इस्तेमाल किया भी जा रहा था, और अभी रिसेंटली एक शिप क्या कहते हैं शिप को स्टार्ट किया गया है जो बनारस में अभी आई थी, जब वहाँ पे क्या कहते हैं पीएम मोदी वहाँ पे थे, ठीक है। बनारस में आई थी हल्दिया से, तो हल्दिया टू प्रयागराज के लिए वो शिप रखी गई थी। तो वाटरवेज वही हैं, वाटरवेज नेशनल वाटरवेज वो हैं जो क्या कहते हैं हमारे किसी ना किसी तरीके से ट्रांसमिशन में, उसमें पैसेंजर्स के ट्रांसमिशन में या कार्गो के ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं पानी के रास्ते से, ठीक है। तो वो है हमारे वाटरवेज। और अगर बात की जाए इनके काउंट की तो मैं आपको एक साथ बताता हूँ पूरी बातें। मोर देन हंड्रेड वाटरवेज हैं अगर इनके काउंट की बात की जाए तो, मोर देन हंड्रेड वाटरवेज हैं। अगर एग्जैक्टली डाटा की बात की जाए तो लगभग 111 हैं जो 111 वाटरवेज ऑफिशियली नोटिफाइड हैं, ठीक है। दे आर मोर देन 100 वाटरवेज इन इंडिया एंड 1111 ऑफिशियल नोटिफाइड। देयर आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज मेंशन हेयर, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेंशन है यहाँ पे पाँच वाटरवेज मैंने एक्चुअली मेंशन किए हैं। छठवा जो वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज 6 जो है वही प्रपोज्ड है एग्जैक्टली भी बन के, तो मतलब उस पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पे चीज़ें अभी चलनी नहीं शुरू हुई हैं, इसलिए मैंने वो नहीं रखा है। तो जो पहला जो आपका है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा सबसे लंबा भी है, 1620 किलोमीटर का लंबा वाटरवे है ये, प्रयागराज से जो अलाहाबाद जाना जाता था प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है। रिवर गंगा पे है, पूरा एक तरीके से गंगा पे ही है, और लास्ट में हुगली जो क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर पड़ती है इसके, ठीक है। तो ये दो रिवर्स पड़ती हैं इसके बीच में। अगर बात की जाए स्टेट्स की तो आप अगर आपको मैप थोड़ा बहुत आता है ढंग से तो आपको ये पता होगा कि इलाहाबाद यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद गंगा जाती है बिहार तो बिहार चला गया, फिर झारखंड पड़ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से जो है ये वाटर वे है जो पूरा ये चार स्टेट से होके निकलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं साइड में बता रहा हूँ इस क्या कहते हैं स्लाइड में मैंने लिखी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो कितने स्टेट से होके निकलता है। झारखंड का बहुत कम एरिया है, लेकिन झारखंड का एरिया इसमें है, मतलब इस वाटरवे में झारखंड का एरिया पड़ता है, बहुत कम एरिया पड़ता है। इस तरीके से चार स्टेट छूटते हैं जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट में आपके पड़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल वाटरवे टू की, ये पूरा का पूरा आसाम के अंदर है, सादिया से धुबरी जो है आपका बांग्लादेश के जस्ट पास में पड़ता है। अभी आपको मैं मैप में दिखाऊंगा ये जो नेशनल वाटरवे टू है, तो धुबरी जस्ट बांग्लादेश के पास में पड़ता है, और सादिया वहाँ पे है जहाँ से आसाम स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आसाम का मैप बनाया जाए तो इस तरीके जब ऊपर होता है जहाँ से ब्रह्मपुत्र अंदर घुसती है यहाँ पे इंडिया में आती है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश पार करके यहाँ से आएगी तो यहीं से क्या कहते हैं सादिया से स्टार्ट होकर पूरा और लास्ट तक यहाँ धुबरी तक आया हुआ है जहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किस पे कौन सी नदी पर है, ये पूरा का पूरा है ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। इतना ये जरूर याद होना चाहिए कौन सी नदी पर है या कौन सी कैनाल के अंदर कौन सी कैनाल यूज करके बनाया गया है उस वाटरवे को। तो पहले वाले को मैंने बताया गंगा और हुगली, ठीक है, गंगा और हुगली दो नदियां हैं इसमें, दो नदियां कह सकते हैं, हुगली एक तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी नदी ही है गंगा की। नेक्स्ट जो है वाटरवे थर्ड ये आपका पड़ता है कोल्लाम टू कोटीपुरम, ठीक है। ये पूरा का पूरा पड़ता है आपका केरल के अंदर, ये पड़ता है केरल के अंदर, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको मैप, तो ये है वो मैप जिसकी बात मैं बात कर रहा था अभी। ये मैप मैंने खुद ही मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ है आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मैप बाकी मिल रहे थे उन सब में काफ़ी अलग अलग चीज़ें दी हुई थी, अलग तरीके से दी हुई थी, मुझे लगा शायद ज़्यादा बेटर तरीका होगा मैं अगर आपको ऐसे समझाऊँ, ठीक है। तो ये है आपका इलाहाबाद या प्रयाग कह लीजिए, प्रयाग है आपका, प्रयाग से आपका स्टार्ट होकर बिहार, झारखंड का कुछ एरिया पड़ेगा,
फिर आपका आएगा यहाँ तक हुगली तक पहुँचता है, क्या कहते हैं जो आपका हुगली नदी से हल्दिया तक पहुँचता है आपका, तो ये है आपका वाटरवे फर्स्ट, ठीक है। इसकी बात की जाए तो ये है आपका वाटरवे नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये यहाँ पर है जो सादिया से शुरू होता है, मैंने बोला था ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे होकर ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आती है, ये है ब्रह्मपुत्रा। और यहीं पर एक और रिवर है जो लोहित, ठीक है, लोहित नाम की एक और रिवर है, वो भी यहीं पे आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से, और एक रिवर ऊपर से भी आके मिलती है। तो यहाँ से इसकी जो क्या कहते हैं धारा है काफ़ी चौड़ी भी हो जाती है, और यहाँ इसी एरिया में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के इसी एरिया में काफ़ी सारे ये वो क्या कहते हैं द्वीप बनाती है, ठीक है, काफ़ी सारे क्या कहते हैं रिवर रिवर आइलैंड्स बनाती है ये, ठीक है, रिवर आइलैंड्स का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्रा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये आगे चली जाती है, आगे चलती है यहाँ से, और यहाँ तक आते आते ये है धुबरी, लास्ट लास्ट जो है ये है धुबरी। तो ये पूरा है आपका नेशनल वाटरवे सेकेंड, ठीक। इसके बाद जो थर्ड जिसके जिसको मैं बता रहा था आपको, नेशनल वाटरवे थ्री जो केरला के अंदर पड़ता है, ये है कोल्लम, और ये पड़ता है आपका कोट्टापुरम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पड़ता है आपका केरल के अंदर, ये आपका पड़ता है पूरा का पूरा केरल के अंदर, और ये है आपका नेशनल वाटरवे थ्री। उसके बाद बात की जाए अगर फोर की, तो ये यहाँ से आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कोकीनंदा, कोकीनंदा पढ़िए इसको, या फिर कोकीनंदा पढ़ लीजिए, कोकीनंदा। तो ये है वो कोकीनंदा जहाँ से स्टार्ट होता है, और इसमें जो है इस वाले वाटरवे में, वाटरवे फोर है ये नेशनल वाटरवे फोर है आपका, इसमें कैनाल्स का यूज़ किया गया है, साथ साथ में जो आपकी गोदावरी और कृष्णा नदी हैं उनका वो भी इसमें पड़ती हैं, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा ये दोनों नदियां हैं, या गोदावरी यहाँ पे कहीं मिल जाती है और कृष्णा भी नीचे मिलती है, तो गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां भी आती हैं आपकी NH4 में, जो आपका NH लिख दिया मैंने, NW लिख लीजिए इसको, गलती हो गई मुझसे, NW4 में, ठीक है। नेशनल वाटरवे फोर में आपका पड़ता है, नेशनल वाटरवे फोर में आपकी गोदावरी और क्या कहते हैं गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां पड़ेंगी। ये मैं लिख दिया हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि नेशनल वाटरवे फोर लिख के आपसे नदियां लिख दी जाएँ और बोला जाए कौन सी नदी इससे रिलेटेड है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं अभी एक बार डिटेल में लास्ट में लिख दूंगा। और जो बाकी बचा फिफ्थ वाला है, तो ये आपका ओडिशा से, ओडिशा में यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर इधर पैरादीप जो आपका बताया था मैंने पोर्ट पड़ता है, पैरादीप पोर्ट पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाता है, एक लाइन ये यहाँ पोर्ट तक आई हुई है, और यहाँ पे जो नदी पड़ती है उसका नाम है महानदी। तो इस महानदी से आता है ये यहाँ तक, और इसके आगे अगर बात की जाए उसके आगे जाता है, फिर वापस हल्दिया तक चला जाता है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल तक पहुँचता है ये। तो इसको एग्जैक्ट डाटा मत जाइए, मैं यहाँ पर लिख के बता दिया हूँ इस तरीके से, तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर है। अब मैं आपको एक बार पूरे लिख देता हूँ जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनके सामने नदियाँ लिख देता हूँ। तो जो पहला आपका था, जो पहला था वाटरवे फर्स्ट, उसमें नदी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है गंगा, वाटरवे फर्स्ट गंगा रिवर, ठीक है, गंगा प्लस हुगली। सेकंड जो है ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्रा पे है, ब्रह्मपुत्र पे, ठीक। थर्ड जो है आपका ये कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे एक कैनाल यूज की गई है। और फोर्थ जो आपका है, इसमें भी दो नदियाँ इसमें आती हैं, गोदावरी और प्लस कृष्णा, ठीक है। उसके अलावा कैनाल और टैंक्स का भी यूज़ किया गया है। और जो फिफ्थ है आपका, इसमें इस पे नदी पड़ती है महानदी, इसका कुछ पोर्शन जो है आपका महानदी का आता है इस पे। तो नदियाँ इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको, क्योंकि हो सकता है आपसे नदियाँ डायरेक्टली पूछ ली जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मेसअप हो गया है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया है, इससे आप यहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्रा, फिर यहाँ पे कैनाल यूज की गई, फिर गोदावरी और कृष्णा इसमें, और लास्ट वाले में महानदी, ठीक है। इस तरीके सबसे लंबा जो है आपका, सबसे बड़ा अगर बात की जाए, सबसे बड़ा जो आपका वाटरवे है वो है आपका वाटरवे फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका वाटरवे फोर, ठीक है, नेशनल वाटरवे फोर, ये है आपका सेकेंड नंबर का सबसे लॉन्गेस्ट वाटरवे। तो इस तरीके से जो डिस्कशन था पोर्ट्स और वाटरवेज का, जो पोर्ट्स और वाटरवेज का हमारा डिस्कशन था वो यहीं पे समाप्त होता है, और ये वीडियो जो थी यहीं इतनी रहेगी, और बाकी जो वीडियोज अभी तक आ चुकी हैं उन सबको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियोस और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे,
और हमारा हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले और कंटेंट जो है और अच्छे से और टाइम पर आ सके, ठीक है। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, हमारा अभी तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीड अप एजुकेशन की पूरी फैमिली आप सबको, आप सबके क्या कहते हैं, आप सबकी आभारी है, आपने हमारा इतना साथ दिया है अभी तक का, और आगे भी हमारे साथ बने रहें। वीडियोज़ के लास्ट में यहाँ पर आइकन्स में दिख जाते होंगे, लिंक्स दिख जाते होंगे, कोई ना कोई वीडियो दिखती होगी आपको, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।